नमस्कार दोस्तों, पाइवट टेबल तो आप सभी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन पाइवट टेबल में कुछ कुछ ऐसे कमाल की ट्रिक्स हैं जिसका यूज़ करके आप अपना काफ़ी टाइम सेव करने वाले हो, और प्रोफेशनल भी इस ट्रिक्स को यूज़ करते हैं अपने टाइम को सेव करने के लिए। ये ट्रिक्स इतनी कमाल की हैं दोस्तों कि अगर आप इस ट्रिक्स को यूज़ करते हैं तो आप सबसे यूनिक होंगे, सबसे अलग होंगे, और 100% ये ट्रिक्स आपको नहीं पता होगी। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं इस डेटा के ऊपर पाइवट टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ। मैं इंसर्ट पर जाऊँगा, पाइवट टेबल सेलेक्ट मैंने किया, मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट लूँगा, लोकेशन मैं यहां लूंगा और ओके करूंगा, राइट। अब मैं क्या करता हूं, कस्टमर नेम को मैं लेता हूं रो सेक्शन में, और मैं रिचार्ज इन 2015 को वैल्यू सेक्शन में, एंड रिचार्ज इन 2016 को वैल्यू सेक्शन में। तो ये मेरे पास आ गया कस्टमर वाइज रिचार्ज 2015 में और 2016 में, राइट। अब मैं क्या करूंगा, इस डिजाइन टैब पे जाऊंगा। डिजाइन टैब पे जाने के बाद मैं रिपोर्ट लेआउट पे जाऊंगा और शो इन आउटलाइन फॉर्म। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ रो लेवल लिखा हुआ है, जैसे मैं शो इन आउटलाइन फॉर्म करूँगा तो ये तुरंत रो लेवल कन्वर्ट होकर कस्टमर नेम में हो जाएगा, जो हमारा एक्चुअल है यहाँ जो दिख रहा है आपको, ठीक है। दोस्तों अभी वीडियो को स्किप मत करिएगा, अभी मैजिक होने वाला है आपका। अभी आप देखिए, अब मैं कस्टमर नेम यहाँ लिखा है, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए ये कंपनी नेम भी चाहिए, मुझे कंपनी वाइज कस्टमर वाइज मुझे टोटल रिचार्ज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखिएगा, मैं बस यहाँ क्या करूँगा, COMPANY और इंटर। रेडी, रिपोर्ट रेडी हो गया है दोस्तों, कंपनी वाइज कस्टमर वाइज टोटल हमारा रिपोर्ट रेडी हो गया था, है ना दोस्तों, कमाल का। तो चलिए दोस्तों मैं एक ट्रिक्स और बता देता हूँ आपको। अब आपको फिर से डिजाइन टैब पे जाना है और यहाँ रिपोर्ट लेआउट पे क्लिक करना है और शो इन टेबुलर फॉर्म। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका डेटा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, है ना दोस्तों, कमाल का। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।